रहीम, अस्सलाम वालेकुम आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेजिंग का तो कॉन्सेप्ट और ये नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी की जो टेक्निक थी उसके अंदर का एक पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है आज ठीक है जी तो पेजिंग वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के चाहे पी पी एस सी का दे रहे हैं चाहे एफ पी एस सी का दे रहे हैं चाहे इवन सी एस एस का दे रहे हैं ये वाला टॉपिक हर लिहाज इंपॉर्टेंट है ठीक अब इसको करने का तरीका क्या होगा इसका करने का सिंपल ये तरीका है कि आपने ध्यान से पूरा लेक्चर सुनना है इसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद इसको इस तरह रिवाइज़ करना है जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना आपने इस तरह पढ़ाना है आपके सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे लेकिन ये वाला आपने किसी सूरत भी नहीं छोड़ना साथ ही साथ ड्यूरिंग लेक्चर हम डिस्कस कर लेंगे कि पास पेपर्स भी किस तरीके से आए हुए हैं क्वेश्चन और वैसे आते किस तरीके से हैं इसके पेजिंग में से क्वेश्चन ठीक है अब पेजिंग से ना एक आपने बात याद रखनी है पेजिंग की जब हम बात करते हैं ना तो जाहिर सी बात है हम लोग मेजरली जो है वो तीन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं हम लोगों का एक होती है मेमोरी ठीक है और ये होता है सीपीयू मेमोरी से सीपीयू में जाता है प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज़ जाती है वो प्रोसेस है तो मैं प्रोसेस पे देख लेती हूँ तो मतलब हमारे पास कितनी चीज़ें होगी तीन जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं पेजिंग में या किसी चीज़ में भी कोई भी टेक्निक हो उसमें हम तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं प्रोसेस मेमोरी एंड सी अब नॉन कंटीजियस में मैंने आपको पहले बताया था प्रोसेस कंटीजियस नहीं होते प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होते मतलब कि प्रोसेस को भी डिवाइड किया जाता है जिस तरह कंटीजियस में हम लोग मेमोरी को डिवाइड कर देते थे तो पेजिंग के अंदर आपने इसको भी डिवाइड करना है और मेमोरी को भी डिवाइड करना है और देन हम उस टूटे हुए प्रोसेस को भेजेंगे मेमोरी में और मेमोरी आगे भेजेगी सीपीयू के अंदर ठीक है कुछ कॉन्सेप्ट साथ साथ लेते हैं ताकि आगे जाके आपको आसानी हो जाए जब हम लोग प्रोसेस को काटते हैं ना डिवाइड करते हैं इस तरह इस तरह करके तो ये जो हमारे पास सेक्शंस बनते हैं ना ये हमारे पास होते हैं पेजेस ठीक जब हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेक्शंस में तो जब वो मेमरी बनती है ना मेमोरी के एक पार्टीशन को हम बोलते हैं फ्रेम ठीक है अब सीपीयू को इस बारे में नहीं पता होता इतना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा एक ही वाली बात देख लें साथ साथ एक और चीज़ देख लें मेमोरी जिसमें काम कर रही है ना उसको हम लोग कहते हैं कि वो कौन सा एड्रेस होता है फिज़िकल एड्रेस पेपर के अंदर फिज़िकल एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस भी कहा जाता है ठीक है आपने ये बात अब याद रखनी है एब्सोल्यूट एड्रेस मतलब कि फिज़िकल एब्सोल्यूट की बात हो रही हो तो ज़्यादातर किसके साथ रेफ़र हो रहा होता है मेमोरी के साथ रेफ़र हो रहा होता है ठीक है और सी पी यू जो चीज़ समझते हैं दैट इज़ एल ए और ये कौन सा होता है लॉजिकल एड्रेस होता है ठीक है मेमोरी डील करती है पी ए में या जो सी पी यू है वो डील करते हैं एल ए में दैट इज़ लॉजिकल एड्रेस ठीक है जी ये चीज़ अपने पास लिख लें फिर हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं कि हम अब मैं पहले आपको ये बताऊँगी ये कैसे बनता है फिर मैं आपको ये बताऊँगी ये कैसे बनता है और उसके बाद फिर हम तीनों चीज़ों को इकट्ठे रखेंगे और हम देखेंगे कि लॉजिकल एड्रेस फिज़िकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट होता है ये स्टोरी की तरह लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा ज़्यादा उस चीज़ में चले जाएँगे बहुत ही लेक्चर वाले स्टाइल में तो शायद मुश्किल हो जाएगा समझना इसको हम स्टोरी की तरह ही समझेंगे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक प्रोसेस है और प्रोसेस को मैंने डिवाइड करना है पेजेस के अंदर ठीक है ये मैंने प्रोसेस बनाया और प्रोसेस के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए ये भी इम्पॉर्टेंट है देखें इसका नाम है P1 और इसका साइज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कह देती हूँ ये फोर बाइट्स का ठीक है फोर बाइट्स अब अगेन मैं बातें बार बार लेक्चर में रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि हम लोग डील कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ तो कंप्यूटर के अगर फोर हम लोग इन्हें गिनती गिननी गिन गिन हो तो फ़ोर में कैसे गिनेंगे वन से स्टार्ट करेंगे कि ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे जीरो से स्टार्ट करेंगे ज़ीरो वन टू एंड थ्री ठीक ये हमारे पास क्या हो गया पेज हो गया अब पेज के सॉरी प्रोसेस हो गया प्रोसेस के बारे में हमने क्या क्या देख लिया प्रोसेस का नाम देख लिया और प्रोसेस की साइज़ देख लिया और उसका देख लिया कि टोटल कितने बिट्स हैं ठीक है ये हमारे पास टोटल हो गया प्रोसेस का हो गया अब हमने क्या करना है बात याद रखनी है आपने अब हमने इसको डिवाइड करना है पेज के अंदर जब हम पेज के अंदर डिवाइड करेंगे ना तो पेज के अंदर डिवाइड करने के लिए भी हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए एक होनी हमें चाहिए साइज ऑफ़ पेज कि साइज़ ऑफ पेज कितना है तो वो हम लोगों को पहले से गिवन होता है मतलब एक कंप्यूटर बना हुआ है ना उसको मेरे में पहले से पता होगा कि इसका साइज़ ऑफ पेज कितना है और साथ इस साइज़ ऑफ़ पेज से हम लोग ये पता चल जाएगा हमें कि टोटल हमारे नंबर ऑफ़ पेजेस कितने बनेंगे कैसे पता चलेगा क्योंकि हम लोग ने मेमोरी इस प्रोसेस को डिवाइड करना है क्योंकि हमने प्रोसेस को डिवाइड करना है पेजेस के अंदर तो हम क्या करेंगे टोटल हमारे पास कितनी मतलब कितने हमारे पास टोटल है साइज़ डिवाइडेड बाई कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है टू पार्ट्स में डिवाइड करना है साइज़ ऑफ पेज तो फोर को जब हम टू में डि टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा टू तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ पेजेस हमारे क्या होंगे टू बनेंगे नंबर ऑफ पेजेस तो ये भी अपने पास लिख लें कि दूसरी चीज़ हमने ये देखनी होती है नंबर ऑफ पेजेस कितने बनेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास टू ही बनेंगे क्यों क्योंकि फोर को जब डिवाइड करते हैं टू से इस फोर को टू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है टू बन जाता है तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे टू अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे अब जब हम अपने प्रोसेस को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएंगे दो पेजेस हमारे पास ठीक है ये पेज ज़ीरो अब P1 जो है ना इसकी अपनी आइडेंटिटी होगी आगे लेकिन जब अब अब जाएगा अब ये जाएगा पेजेस की सूरत में ठीक है तो अब मैं कहती हूँ ये मेरे पास P0 है ये हमारे पास P1 है और इसकी आइडेंटिटी फिलहाल हम ख़त्म कर देते हैं लेकिन ये याद रखने के पूरे का पूरा एक प्रोसेस था जो डिवाइड हो चुके पी ज़ीरो और पी के अंदर ठीक है जी अब हम मूव करते हैं अगली चीज़ में बस पे पेज के बारे में आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए ठीक है अब हम मूव करते हैं आगे अगली चीज़ें हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेम अब जब हम लोग मेमोरी को डिवाइड करते हैं तो मेमोरी से बन जाते हैं हमारे पास फ्रेम्स ठीक है यहाँ पे अब समझ समझिए अब साइज ऑफ मेमोरी भी हमने देखना है भाई ये समझ लें ये मेरे पास है मेमोरी ठीक है इसको मैं कहती हूँ ये मेन मेमोरी है और मेन मेमरी मेमरी का साइज फॉर एग्जांपल मैं कर लेती हूँ ये सिक्सटीन बाइट्स हैं या सिक्सटीन एम भी कर लें या कुछ भी कर लें सिक्सटीन टोटल ठीक अब हम लोगों ने देखना है यहाँ पर कि फ्रेम्स में इसको हमने कन्वर्ट करना है पहली बात यहाँ पर आप अपने देखनी है जो हम लोग ने पीछे देखा था ना साइज़ ऑफ पेज अब हम लिखने वाले हैं साइज ऑफ फ्रेम ठीक है, है? वहाँ पे दूसरी चीज़ हमने क्या किया था टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेम टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस यहाँ पे हमने कहना है टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेम्स यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है एम जी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है साइज ऑफ़ फ्रेम हमेशा इक्वल होता है साइज ऑफ़ पेज से जो आपका साइज ऑफ़ पेज बनेगा वही आपका साइज़ ऑफ फ्रेम बनेगा वहाँ पे साइज ऑफ़ पेज हमारा कितना था टू एम बी या टू बाइट्स तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर ये सारा बाइट्स में रखते हैं भाई यूँ ही कन्फ्यूजन हो जाएगी सारा बाइट्स में तो टू बाइट्स क्या है हमारे पास अब फ्रेम का साइज़ है ठीक है अब फ्रेम का साइज हमने क्या कर दिया टू बी कैसे हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कैसे निकाले थे जो टोटल मेमोरी है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पेजेस तो अब हमने क्या करना है टोटल मेमोरी का जो साइज़ है वो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ साइज ऑफ़ फ्रेम्स तो फिर क्या निकल आएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रेम्स तो सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू जब हम काटेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा एट ठीक है तो अब इस मेमोरी को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है एट में ये देखें तीन चार पाँच सात अगेन जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ना लिखना इसके ये आ, फ्रेम नंबर जब देंगे वहाँ पे हमने दिया था ना जीरो वन दिया था अब यहाँ पे हमने क्या देना है वन ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब ये बातें ध्यान से देखने वाली हैं वहाँ पे हमारे पास पे नंबर ऑफ़ पेजेस टू बने थे तो उसके आगे से क्या बना था टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हमने कैसे लिखे थे पेज जीरो पेज वन यहाँ पे टोटल फ्रेम्स कितने बने एट तो इसका हम लोग किस तरह लिखना जीरो टू सेवन ठीक है ये चीज़ें समझने वाली हैं क्योंकि आगे जाके यही मसला बनाती हैं क्योंकि हम लोगों ने सारी बात यह एड्रेसेस की करनी है तो यही नहीं क्लियर होंगे तो आगे क्या करेंगे ठीक है अब पेज के अंदर हम लोगों ने कैसे लिखा था ज़ीरो से थ्री तक लिखा था क्योंकि चार बाइट का था यहाँ पर कितना है सिक्सटीन है तो ज़ीरो से स्टार्ट करें क्योंकि नंबर ऑफ़ साइज़ ऑफ फ्रेम क्या है हमारे पास टू बाइट इस वजह से हम लोग दो दो ही बाइट्स रखेंगे एक के अंदर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज़ीरो से लेकर फिफ्टीन तक ठीक है अब ये आपके पास दूसरी चीज़ होगी दैट इज़ मेमोरी और मेमोरी के अंदर क्या हो गए फ्रेम्स अब तीसरी बात आ जाती है मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी प्रोसेस मेमोरी एंड सीपीयू अब होता क्या है सारा चक्कर अब हम वो डिस्कस करते हैं कंप्लीट इसका भी अब हॉल नहीं रहा चलें जी है इंटरेस्ट लेके करेंगे तो हो जाएगा सर पे सवार कर करेंगे तो नहीं होगा देखिए सबसे पहले जो चीज़ है ना हमारे पास अब मैं इसकी हरारी किस इस तरह बना रही हूँ मतलब जिस तरह हम लोग वैसे बनाते हैं ना मेमोरी और सी तो मैं उसके हिसाब से बना रही हूँ यहाँ पर मेरे पास आ गया है सी ठीक ये अभी जो मैंने मेमरी डिवाइड किया ये वो और यहाँ पे ये यह वो पेज है या सॉरी प्रोसेस से जो मैंने डिवाइड कर दिया ठीक है ये है मेरे पास मेमोरी मेन मेमोरी ये मेरे पास प्रोसेस और ये मेरे पास है सीपीयू मेमोरी कितने में डिवाइड हुई हुई है और ये दो में ज़ीरो वन ज़ीरो वन टू थ्री ये सारा इसी तरह ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब ध्यान से देखिएगा कि अब हम लोगों ने इसको मैं महान से रब कर दूँगी क्योंकि प्रोसेस ने तो मेन मेमोरी में, 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 में चले जाना है ना तो प्रोसेस जब मेन मेमोरी में जाएगा समझ लें क्योंकि नॉन कंटीजुअस है तो ये आपने बात यहाँ रखनी है कि पहले वाला तो चले आकुपाई हुआ हुआ है ना समझ लें कि दूसरे वाला भी आकुपाई हुआ हुआ है हमारे पास ठीक है जिस तरह ये भी फील्ड है किसी न किसी ने इसमें है कोई अब यहाँ पर सपोज ये जो पी ज़ीरो है ना ये मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है ठीक है ये पी ज़ीरो छोटा सा लिख देती हूँ और ये अगले वाला फिर ऑकोपाइड है और जो पी वन है वो मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे ये लिख देती हूँ पी वन छोटे छोटे करके क्यों लिख रही हूँ मैं आपको बताती हूँ ये देखें हम लोग लिखेंगे इसको इस तरह ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन फोरटीन फिफ्टीन पी वन किधर किधर पड़ा हुआ है बस ये इस तरह आपने ध्यान रख लेना है पी वन फ्रेम नंबर फोर है और बाइट्स कौन कौन सी हैं एट और नाइन ठीक है जो पी ज़ीरो है वो फ्रेम नंबर टू और बाइट्स कौन सी हैं फोर और फाइव अब जो भी डेटा इसके अंदर पड़ा था वो इधर है जो इसके अंदर पड़ा था इधर है जो इसका है वो इधर है जो इसका है वो इधर है ठीक है ये चीज़ आप लोगों के पास हो जाती है प्रोसेस की एलोकेशन प्रोसेस को हम लोगों ने डाल दिया मेन मेमोरी के अंदर लोडिंग होगी प्रोसेस की अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये कि हमने इसे लेक्चर में पढ़ा था कि जो सी है ना वो जनरेट करता है आपके पास कौन सा एड्रेस जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस जबकि जो मेमोरी है वो क्या चीज़ समझती है एक सके जो सी है वो जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस और जो मेमोरी है वो चीज़ क्या समझती है हमारे पास फिज़िकल एड्रेस अब जब ये कन्वर्जन है ना अब आपने बात यहाँ देखनी है ये आ सकता है पेपर के अंदर कि ये जो कन्वर्जन है ये कौन करता है ये वाली जो कन्वर्जन है इस कन्वर्जन जो करता है उसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एल को कन्वर्ट कर देता है पी के अंदर ठीक है अब ये सारी बातें समझ आएगी प्रोसेस को हमने लोड कर दिया वो फ्रेम टू फ्रेम फोर में पड़ा हुआ है ये लॉजिकल एड्रेस प्रोड्यूस कर रहा है उसको पी हम लोगों ने कन्वर्ट कर देना है ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ आगे बात ओके जी ये ज़रा मैंने शॉर्ट कर दिया ताकि ईजीली समझ आ जाए पेज जीरो पेज वन सी और ये मेमोरी प्रोसेस अब चला गया प्रोसेस बस लोड हो गया इसके अंदर अब हम लोगों ने यहाँ पे अगेन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लिख लें अपने पास कि सी को ये नहीं पता जो भी इन्होंने आपस में किया हुआ है ना प्रोसेस ने और मेमोरी में इसको ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया नहीं है ठीक है वो सिंपली एक बात बता देते हैं कि यार मैं प्रोसेस पी वन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और मुझे प्रोसेस पी वन के या एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यानी या मुझे एक उसकी चीज़ चाहिए थ्री बाइट चाहिए उसका ठीक है मतलब वो डिमांड करता है सिर्फ उसको और कोई काम है वो सिर्फ डिमांड करते कि भाई मैंने एग्जीक्यूशन करनी है तुम तो मुझे चीज़ें दो मैं सारी एग्जीक्यूशन कर दूंगा ठीक हम लोगों ने कहा ना कि हम लोगों उसको निकम्मा नहीं बैठने देना हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएंगे तो वो कहते ठीक है मैं काम करूँगा का। बस जो जो, जो चीज़ें मैं डिमांड करता जा रहा हूँ तुम तो लोग मुझे फ़ौरन देते जाओ तुम तो देते जाओगे तो मैं करता जाऊँगा अब ये लॉजिकल एड्रेस प्रोड्यूस करेगा ये फ़िज़िकल एड्रेस समझता है जब ये ऐसी ज़ुबान बन बोल रहा है जो इसको समझ ही नहीं आएगी तो ये कैसे देगा ये देगा नहीं तो वो काम कैसे करेगा तो एम एम यू जो है ना बीच में मेमरी मैनेजमेंट यूनिट वो क्या करती है कि वो इसका जो एड्रेस है वो कन्वर्ट कर देती है इसके एड्रेस में ताकि इसको समझ आ जाए और ये अपनी चीज़ उसको दे दे जो उसको रिक्वायर्ड है अब दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेने हैं आपने एक यहाँ पे हम बात करेंगे एम एम यू की जो कन्वर्जन करता है दूसरी आपने कॉन्सेप्ट लेना है पेज टेबल का पेज टेबल का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पहले दे देती हूँ ताकि समझ आ जाए देखें जितने भी प्रोसेस हैं ना हर प्रोसेस अपना एक पेज टेबल मेनटेन करता है इस पेज टेबल का क्या मतलब है इस प्रोसेस के जितने भी पेजेस होते हैं ना उतनी इसके अंदर एंट्रीज़ बन जाती हैं एंट्रीज़ मतलब अगर कोई प्रोसेस जिसके के दस पेजेज़ हैं तो इसके अंदर दस खाने बनेंगे एंट्रीज बनेंगे जिसके अंदर हर पेज का पेज का इंफॉर्मेशन होगा यहाँ पे ठीक है लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों ने एक ऐसा प्रोसेस लिया है जिसके सिर्फ दो पेजेस बने हुए हैं तो आप बताएं इस प्रोसेस का पेज टेबल कितनी एंट्रीज़ पे होगा कंसिस्ट करेगा सिर्फ दो एंट्रीज़ पे ठीक तो जब हम लोग प्रोसेस का पेज टेबल बना अब मैं इसको यहाँ से काट रही हूँ है तो प्रोसेस की इंफॉर्मेशन देखिए क्या चीज़ है ये पेज टेबल है ठीक है और ये पेज टेबल कितनी चीज़ों पे है मुश्तम ये दो एंट्रीज़ पे मुश्तमल है अब इसके अंदर क्या, क्या क्या चीज़ होती है सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पेज नंबर्स पेज नंबर कौन कौन से था हमारे पास एक था पेज जीरो और एक था पेज वन तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ज़ीरो एंड वन ठीक दूसरी चीज़ इस पेज टेबल के अंदर क्या होती है वो ये होती है कि जो पेज नंबर ज़ीरो है वो किस फ्रेम पे बैठा हुआ है वो किस फ्रेम के अंदर स्टोर हुआ जाके तो हमें पहले ही पता है कि वो किस में स्टोर हुए एफ़ टू में स्टोर हुए तो वो भी यहाँ पे मैं इंफॉमेशन लिख देती हूँ टू एफ़ टू कर दें या सिर्फ यहाँ पर पी जीरो कर दें पी वन कर दें कुछ भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है कौन सा कंप्यूटर इस तरह का रहा होता है कंप्यूटर की तो अपनी वो लैंग्वेज होती है एफ़ टू को भी वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा और सारा कुछ तो इसके अंदर क्या होगा एफ़ फोर आ जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई पेज टेबल बन गया प्रोसेस के पेजेस और उसके आगे से फ्रेम नंबर्स अब क्वेश्चन आता है कि पेज टेबल की एंट्रीज किस पर डिपेंड करती हैं तो पेज टेबल की एंट्री नंबर ऑफ़ पेजेस पर डिपेंड करती हैं पहली बात दूसरी बात ये कि पेज टेबल के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है पेज टेबल के अंदर दो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है एक तो पेज नंबर के बारे में और पेज नंबर मेमोरी के किस फ्रेम के अंदर किस जगह पर स्टोर है उसकी इन्फॉर्मेशन मतलब कि पेज नंबर और फ्रेम नंबर दोनों होते हैं किसके अंदर पेज टेबल के अंदर होते हैं क्लियर अब आ जाती है बात एम की अब ये जनरेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस आगे बैठा हुआ है एम 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 यू को मैं यहाँ से वैसे रब कर दूंगी क्योंकि उसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगी कि एक्जैक्टली exactly उस यूनिट के अंदर प्रोसीजर क्या हो रहा है और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फिज़िकल एड्रेस के अंदर ठीक है अब इसको मैं यहाँ से रब करने वाली हूँ क्योंकि इसका प्रोसेस अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेट सपोज सी पी यू कहा है सी पी यू ने कि मुझे पेज वन का बाइट नंबर थ्री दो पेज वन सॉरी प्रोसेस वन का पेज नंबर प्रोसेस वन का बाइट नंबर थ्री चाहिए मुझे जिस तरह हम लोग ये कहा था ना ये प्रोसेस वन है हमारे पास hmm. और अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं जिस तरह पेज नंबर और प्रोसेस नंबर दोनों हो रहे हैं तो इसको हम लोग इस तरह कर देते हैं सिंपल प्रोसेस पी पी यू कहते हैं मुझे प्रोसेस का थर्ड बाइट चाहिए ठीक है जब हमने प्रोसेस ड्रॉ किया था तो हम लोगों ने कैसे ड्रॉ किया था प्रोसेस ये देखें इस तरह इस तरह ऊपर था ज़ीरो वन टू थ्री और ये हमने इसका नाम देते हैं बस प्रोसेस पी वन ई पी वन पी ज़ीरो इसको दे देते हैं ठीक है तो अब सी पी यू कह रहा है कि मुझे इस प्रोसेस का बाइट नंबर थ्री चाहिए तो बाइट नंबर थ्री कौन सा है ये वाला ठीक है अब मुझे ये बात बताएं कि ये इसको तो नहीं पता अब हमने पेजेस में डिवाइड कर दिया साथ इसको ये भी नहीं पता कि ये थ्री अब नाइन में कन्वर्ट हो गया क्यों नाइन में कन्वर्ट हो गया यह इसकी जो कंटेंट है समझ लें कि इसकी जगह जो चीज़ पड़ी हुई थी ना वो ऐसे छोटा सा एक डब्बा पड़ा हुआ था ग्रीन कलर का अब वो ग्रीन कलर का डब्बा इधर से उठ के किधर चला गया अब देखिए ये प्रोसेस पेज नंबर वन किधर पड़ा हुआ है पेज नंबर वन किधर पड़ा हुआ है एफ़ फोर में पड़ा हुआ है एफ़ फोर में फ़र्स्ट तो सेकंड ये तो नहीं होगा ना ए टू टू तो ऐसे नाइन और थ्री हमें थ्री चाहिए थ्री थ्री का डेटा अब किधर पड़ा होगा बिल्कुल नाइन के ऊपर पड़ा होगा तो इट मींस कि अब ये जो चीज़ डिमांड कर रहा है वो यहाँ पे नहीं पड़ी वो मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है और वो प्रोसेस के अंदर भी नहीं पड़ी, पड़ी, है, पड़ी है वो फ्रेम के अंदर पड़ी है और फ्रेम की किस जगह पर पड़ी है वो नाइन वाली जगह पर पड़ी हुई है ठीक है मैं यहाँ पर एक डब्बा बना देती हूँ ठीक है तो ये चीज़ जो मांग रहा है वो यहाँ पर नहीं है वो यहाँ पर अब वो तो कह रहे हैं मुझे थ्री चाहिए थ्री बाइट चाहिए फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे जब वो हमसे डिमांड करते हैं ना कि हम मुझे थ्री चाहिए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बताओ यार तुम्हारा एड्रेस की शक्ल कैसी है तुम बताओ तुम्हारा जो लॉजिकल एड्रेस तुम जनरेट करो उसकी शक्ल कैसी है वो कहते हैं मेरा लॉजिकल एड्रेस कुछ ऐसा देखने में रखता है ऐसा और बताओ इसके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर हुई हुई हैं तो इसके अंदर एक जगह जो है ना ये जो इसकी राइट साइड है उसके अंदर ये स्टोर करता है नंबर ऑफ़ पेजेस नंबर ऑफ़ पेजेस कि जिस प्रोसेस को ये बुला रहा है उसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं ठीक और दूसरी जगह बताता है कि पेज का साइज कितना है साइज पेज साइज़ अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात पेज साइज़ का दूसरा नाम ऑफ़सेट है पेज ऑफ़सेट ये भी आता है आपके एम uh, के अंदर कि एल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं नंबर ऑफ़ पेजेस और प्लस ऑफसेट पेज ऑफसेट होता है इसके अंदर पेज ऑफसेट का क्या मतलब होता तो है पेज का साइज़ डन अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको फिल करते हैं कि हम इसको फिल कैसे करेंगे अब हम मुझे बताएं कि पेज साइज़ कितना था हमारे पास जब हम लोगों ने पेजेस बनाए थे इस प्रोसेस के तो पेज का साइज़ कितना था टू बाइट अब यहाँ पे हमने टू लिखना है लेकिन मैं आपको बात पहले बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर टू नहीं समझता कंप्यूटर क्या चीज़ समझता है बाइनरी समझता है तो अब हम जब उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर एक्जैक्टली मैं आपको बताऊँ कैसे होगा टू टू को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं टू का मतलब है दो चीज़ें दो चीज़ें हम कैसे शो करते हैं ज़ीरो और वन ठीक है अब ज़ीरो और वन को अगर हम लोग बाइनरी पर करना है तो इनके लिए कितने हमें बिट्स चाहिए होंगे कितने बिट्स एक बिट चाहिए होगा तो इस वजह से हम लोग इसका जो साइज़ है ना ऊपर एल ए में इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर हम लिखते हैं वन ठीक है यहाँ पर हमने लिख दिया वन क्योंकि ये पेज का साइज़ है पेज का साइज़ टू था टू तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं कि उसके अंदर कितने सबसेट में क्या कितनी चीज़ें आ रही थी दो चीज़ें आ रही थी और जीरो को और वन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स रिक्वायर्ड है एक ही बिट रिक्वायर्ड है तो इस वजह से क्या हो जाएगा वन आ जाएगा ठीक अगली बात नंबर ऑफ पेजेस तो नंबर ऑफ़ पेजेस हमारे तो पास पेज� कितने बने दो अगेन दो का मैं फिर बनाती हूँ दो का करने के लिए हमें कितना चाहिए एक ही बिट चाहिए तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वन आ जाएगा डन अब चाहिए क्या उसको क्या चाहिए था उसको थ्री चाहिए था थ्री हम नहीं लिख सकते क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी तो वो थ्री को जब कन्वर्ट करेगा किसके अंदर कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेगा जब थ्री को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह होते हैं टू वन जर टू ज़ीरो टू ज़ीरो ऐसे ही लिखते हैं ना नहीं यहाँ पर वन आते हैं वन बचते हैं ठीक यहाँ पे वन बजते जब हम लोग ये बनाते हैं तो अब मुझे बताएं इसको लिखने का तरीका कैसे होता है इस तरह लिखते हैं ना ज़ीरो वन वन ऐसे ही लिखते हैं लेकिन हमारे पास टोटल साइज़ कितना है एक ये एक ये मतलब दो बिट्स हम ले सकते हैं दो दो बिट्स कौन सी होती हैं ये ज़ीरो को हम लोग क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं तो जब हम इसका साइज़ अंदर जाके डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा वन एंड वन ठीक अगर ये कन्फ्यूजन है तो बताइएगा इसको हम लोग फिर एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी दो चीज़ें होती हैं नंबर ऑफ पेजेज़ होती हैं और पेज साइज़ होते हैं पेज साइज़ को भी हम लोग डायरेक्ट टू नहीं लिख सकते और इसको भी डायरेक्ट हम थ्री नहीं लिख सकते तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इस तरह करके कि हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें जब हम लोग टू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो मतलब जब टू को हम बाइनरी सब में लिखते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं जीरो और वन जीरो और वन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बाइट्स हमें रिक्वायर्ड है हमें सिर्फ एक ही बाइट रिक्वायर्ड है इसी तरह एक ही हमें रिक्वायर्ड होती है नंबर ऑफ पेजेस के लिए भी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इस तरह नहीं समझ आया तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा हम इसको डिस्कस कर लेंगे ये व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा वहाँ पे आ जाए वहाँ पे आके हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे ठीक है अब ये आ जाती है चीज़ अब ये हमारे पास क्या बन गया है? हमारे पास लॉजिकल एड्रेस बन गया ठीक है लॉजिकल एड्रेस बन गया हमारे पास ये वाला डन अब लॉजिकल एड्रेस से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं और कैसे कैसे पता चलती हैं हम अपने ध्यान से देखने हैं। अब देखना है आपने यहाँ पे ये कि ये जो चीज़ है ना ये वाली चीज़ पहला हमें नंबर ऑफ पेजेस ये बता रहा था ये नंबर ऑफ़ पेज भी आपको बताएगा कि नंबर कौन सा है जिसके अंदर रिक्वायर्ड डिजिट हमारा पड़ा हुआ है रिक्वायर्ड बाइट पड़ी हुई हमारी इस वन का मतलब इसको देख के आपने पेज टेबल का देखना है पेज नंबर जिस तरह इसका वन है तो पेज टेबल के अंदर वन आ जाएगा ये ठीक हो गया इस वन से पता ये चलता है कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है ना उसका दूसरा क्योंकि दूसरा हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि हम लोग ऐसे तो नहीं लिखते वन टू तो हम लोग लिखते नहीं अगर हम वन टू लिखते तो वन का मतलब पहला होता है इसके अंदर मेंबर होता लेकिन क्योंकि हम लोग बाइनरी में बात करें तो वो किस तरह होता है जीरो और वन होते हैं तो इट मींस कि वन कौन सा होता है सेकंड नंबर होते हैं ठीक है वन कौन सा होता है सेकेंड नंबर होता है तो इसके अंदर सेकेंड नंबर नहीं है तो हम लोग ये वाली जो चीज़ है इसको देखेंगे प्रोसेस के अंदर ठीक है प्रोसेस के जो पेजेस हमारे पास बन गए हैं ना हम उसके अंदर देखेंगे कि कैसे होता है इसको हम लोग लेके जाना है पेज टेबल के अंदर इसको हमें लेके जाना है प्रोसेस के अंदर जब इसका हम लोग देखेंगे तो ये ये आ जाएगा और जब इसका हम लोग फर्स्ट देखेंगे देखिए ये जीरो है ये वन है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री इसका मतलब है कि हमें क्या चीज़ चाहिए थ्री और बन गया हमारी बात कि वही चीज़ चाहिए हमें हमने ये देखने की ये है किधर लेकिन फिलहाल हमें ये पता चल गया हम उसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं जो हमें रिक्वायर्ड है ठीक है अब यहाँ से हम देखेंगे कि पेज नंबर वन किस फ्रेम के अंदर है तो वो किसके अंदर है पी एफ़ फोर के अंदर है ठीक है समझ आ गई बात यहाँ से हमें ये पता चल गया है पी वन पी वन तो ये हुआ और साथ इसकी वजह से हमें क्या पता चल गया किस के अंदर है एफ़ फ़ोर के अंदर एफ़ फोर क्या है फ्रेम और फ्रेम के अंदर ये पड़ा हुआ है ये नाइन की जगह ठीक है अब यहाँ से हमें बहुत सारी बातें हो गई हैं क्लियर अब हमने क्या करना है ये यहाँ तक हो गया सारा ख़त्म अब ओके अब हम बात करते हैं मेन मेमोरी में के फिज़िकल एड्रेस की मैं बिल्कुल नीचे बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए इसके साइड पे क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ़ पेजेस तो यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ फ्रेम्स एक सेकेंड में ऊपर लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए ये फ्रेम्स का नंबर आ जाएगा यहाँ पे क्या था ऑफसेट पेज साइज़ था यहाँ पे क्या होगा फ्रेम साइज़ होगा ठीक है ये भी क्लियर अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है आप लोगों की हमें ये कैसे पता चलता है कि एड्रेस का साइज़ क्या है मतलब लॉजिकल एड्रेस का साइज़ क्या है और फिज़िकल एड्रेस का साइज़ क्या है ये कैसे पता चलता है वो तो चलो छोटी बात है वो दो पेजेस से उसको ख़त्म कर दें ये देखें जरा यहाँ पे हमें साइज़ कैसे पता चलेगा आप बताएं इस मेमोरी का साइज़ कितना था जब हम लोगों ने ये बात स्टार्ट की थी कि हमने मेमोरी को डिवाइड करना है तो मेमोरी का साइज हमने क्या कहा था सिक्सटीन बाइट्स कहा था अब सिक्सटीन बाइट्स जितना भी इस मेमोरी का एड्रेस है ना उसके आपने बाइट्स निकाल लेने हैं सिक्सटीन को अगर आप कन्वर्ट करते हैं ना बिट्स में कन्वर्ट करते हैं जीरो वन बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास चार बिट्स निकलती हैं इट मीनस कि जब मेमोरी का साइज़ सिक्सटीन होगा सिक्सटीन को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड बिट्स कितनी आएंगी? फोर बिट्स आएंगी। तो फोर बिट्स का मतलब ये है कि इसका जो इसका साइज़ है ना इसके फ़िजिकल एड्रेस का जो साइज़ है वो भी कितना होगा फोर बाइट्स होगा अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि लॉजिकल एड्रेस या फिजिकल फ़िज़िकल एड्रेस किस पे डिपेंड करता है तो फिज़िकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस जो है वो डिपेंड करता है जो हम लोगों ने उसको फेच करना है उस पर डिपेंड करता है लेकिन उसका ये होता है वो सी पी यू जनरेट कर रहा हो तो उसमें फिर भी इतना इशू नहीं होता जो मेन मेमरीज से जिससे हम लोग कंसर्न है वो ये है कि ये किससे बना रहे हैं तो ये उस पर डिपेंड करते हैं कि टोटल इसका साइज़ अपना कितने है इसका साइज सिक्सटीन है उसको डिवाइड करें उसको मतलब बाइनरी बनाएं बाइनरी चार बिट्स हैं तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा चार बिट्स का हो जाएगा ठीक है अब जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं और नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं वो इक्वल रहते हैं नंबर ऑफ़ पेज और नंबर ऑफ फ्रेम्स इक्वल रहते हैं तो मतलब इनका साइज़ भी इक्वल रहेगा तो फ्रेम साइज़ भी टू है इसका भी टू है तो ये टोटल कितना हो गया वन हो गया जब ये यहाँ पे वन आएगा ना तो बका बकाया कितना रह जाएगा हमारे पास ये कितना रह जाएगा फोर में से वन निकाल दें ये कितना रह गया हमारे पास थ्री रह गया तो वहाँ पे तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन थी यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे फ्रेम साइज जो है वो वन बाइट ले रहे हैं और जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेम्स है वो हमारे पास कितने ले रहे हैं थ्री बाइट्स ले रहे हैं ठीक है ये वाली बात आप जरा यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये कैसे हुए उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कि थ्री ये हो गया वन जे हो गया उसके बाद हमारे पास ये बात आ जाती है कि हम लोगों ने कैसे करना है इस जगह पे क्या आएगा इस जगह पे हमें बताना है यहाँ पे तो वन ही आएगा इस जगह पे क्या आना है इस जगह को हम लोग ढूंढ लेते हैं यहाँ से कैसे यहाँ पे वन था वन से हमें पता चले कौन सा फ्रेम है नंबर ऑफ़ फ्रेम कौन सा है नंबर ऑफ फ्रेम हमारे पास फ़ोर पता चला हमें जब हम लोग फोर को कन्वर्ट करते हैं ना बाइंड्री के अंदर तो वो क्या आता है हमारे पास फोर को कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास हंड्रेड आ जाएगा ठीक कन्वर्ट करके देख लीजिएगा तो जब हंड्रेड आता है ना तो यहाँ पे आप लिखते हैं हंड्रेड ठीक क्योंकि फ्रेम साइज़ फ्रेम फोर था यहाँ पे लिखती है ये अब जब आप इसको कंबाइन करेंगे ना तो ये आपके पास बन जाएगा वन ज़ीरो जीरो वन ठीक है यह आपके पास आ जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन एम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ वन ज़ीरो ज़ीरो वन इज़ नाइन तो इट मीन्स कि ये जो एड्रेस है यह हमें किस की तरफ लेके जाएगा यह हमें डायरेक्टली लेके जाएगा नाइन की तरफ और जब ये नाइन की तरफ लेके जाएगा तो नाइन के अंदर जो चीज़ रिक्वायर्ड है हमें आपको बता दें छोटा सा डॉट जो हमें चाहिए वो ये समझ आएगा और वो इसको दे देगा ये सारा जो काम मैंने आपको पता है ये सारे का सारा एम 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 यू के अंदर हो रहा है सो एम एम यू को मैंने मिटा दिया एम एम यू के अंदर हो रहा है सारा कुछ ये अपना जनरेट करते हैं अपना जनरेट करते हैं इसके जनरेट करने से ये पेज टेबल की हेल्प से प्रोसेस टेबल की हेल्प से ये हमें आगे बताते हैं और जब हम अपना बनाते हैं तो वो जो आपस में कंपेयर करते हैं और फिर हमें वो प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो हम जिसके लिए ढूंढ रहे होते हैं अब ये थ्री जो है वो कन्वर्ट किसके अंदर हो गए नाइन के अंदर हो गए इसकी चीज़ उसकी चली जाएगी सी पी यू के अंदर अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके अंदर इसके अच्छे से बने लें आप नोट्स अच्छे से बना लें सेकेंडली ये चेंज करके देख लें अगर आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है तो थ्री ना लीजिएगा यहाँ पे वन जो टू ले लीजिएगा यानी ये ये अगर आपने ये फ़ाइंड करने तो आप कैसे फाइंड करेंगे ठीक है अल्लाह हाफ़िज़